चीन में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले पर भारत में केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है, केवल सावधानी बरतने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार जो भी दिशा निर्देश जारी करेगा उसका प्रदेश सरकार सख्ती से पालन करेगी। वृद्धाश्रम से दो व्यक्ति आए थे, दो बुजुर्ग आए थे, उन्होंने अपने स्वेच्छा से देह दान करने के लिए अपनी सहमति दी है। दोनों व्यक्ति जो हैं बाहर प्रदेश के रहने वाले हैं, एक उत्तर प्रदेश के हैं और एक पंजाब के रहने वाले हैं। मरने के बाद में जला देंगे क्या करेंगे, अब मरने के बाद में अगर हमारा शरीर यहाँ के बच्चों के काम आए जो डॉक्टरी सीख रहे हैं तो हमें इससे बेहतर खुशी क्या होगी। मेडिकल कॉलेज में अपने देह दान किया हूँ तो पेपर में पढ़ा रहा, उसी के हिसाब से मन में प्रेरणा हुआ भी हम भी दान करें अपने देह को। अमेरिकापुर में बहुत साल से 1965 से आता जाता रहता हूँ काम करने के लिए, यहीं छाबड़ा मेट्रो में काम करता रहा। तो अंबिकापुर के वृद्धा आश्रम में रहने वाले दो बुजुर्गों ने मेडिकल कॉलेज को अपना देह दान किया है, जिसे लेकर उन्होंने सरगुजा कलेक्टर और मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के समक्ष देह दान दस्तावेज प्रक्रिया पूरी की है और समाज को संदेश दिया है। आपको बता दें कि ये दोनों बुजुर्ग अर्जीमा स्थित वृद्धा आश्रम में रह रहे थे जहां वे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं।